किरतपुर में एक नाबालिग लड़की की शादी करवाए जाने की शिकायत पर बिजनौर से एक टीम किरतपुर पहुंची और शादी को रुकवा दिया गया। जांच करने पर पता चला कि किरतपुर के मोहल्ला अंसारियान के एक घर में लड़की का निकाह कर दिया गया था। लड़की नाबालिग थी, जिसका पता चलने पर बाल संरक्षण अधिकारी ने शादी वाले घर पर छापेमारी की कार्रवाई की तो पता चला कि लड़की नाबालिग है। परिवार वालों से पूछने पर पता चला कि लड़का और लड़की एक दूसरे से प्यार करते थे, इसी के चलते परिवार वाले उनकी शादी कर रहे थे। फिलहाल शादी को रुकवा दिया गया है। जरा बोलना कितना है आधार नंबर। शादी करने लगी है सर। हां कि मतलब सब शोर को नंबर है। आप लोग बाहर निकल जाओ। बाहर आ जाओ आप लोग। आपके कोई काम नहीं, बाहर आ जाओ। बाहर हो जाओ थोड़ी देर के लिए, कोई बात नहीं। किसी स्कूल में वैसे नहीं गए, सरकारी में या किसी में। 18 साल का फिर तुम कैसे बोल रही हो? आप बात पढ़ाई चल रही हो मिस होगी जो बुक कैसे तुम लोग निकाल दो बर्तन ठीक है ना इधर की साइड पे। ये मुझे सूचना मिली थी किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा, मुझे सूचना प्राप्त हुई थी कि एक बाल विवाह होने जा रहा है जो मोहल्ला अंसारियान किरतपुर थाना में पड़ता है। तो हमारी अपनी एक टीम है जिसमें ASTU थाना प्रभारी और कांस्टेबल और चाइल्ड हेल्पलाइन से अनिल और सीमा और मैं बाल संरक्षण अधिकारी, हम सब लोग मिलकर जब वहां पर पहुंचे थे थाना किरतपुर से, हमने कुछ पुलिस फोर्स ली थी और जब हम मौके पे पहुंचे तो वहां पर वो मामला सही पाया गया जिसमें लड़की का बाल विवाह निकाह तो हो गया था, विदाई की तैयारी चल रही थी। तो हमने लड़की से बात की और पता लगा कि उसका बाल विवाह कराया जा रहा है। वैसे उसमें खुद लड़की की मर्जी थी लेकिन बाल विवाह उसकी उम्र जो थी, क्योंकि वहाँ से उन्होंने हमें कोई प्रूफ नहीं दिया, आधार कार्ड के बेस पे वो बता रहे थे, आधार कार्ड के अकॉर्डिंग भी वो नाबालिग थी। फिर हमने सरकारी स्कूल से उसका एक प्रमाण पत्र निकलवाया जिसमें उसकी आयु 16 वर्ष कुछ माह थी, तो लड़की उसमें नाबालिग थी, जिसके लिए हमने लड़के और लड़की को दोनों का रेस्क्यू किया, दोनों को थाना किरतपुर लेकर गए और किरतपुर से लड़की का रेस्क्यू करके वन स्टॉप सेंटर में हमने संरक्षित कराया गया है। और इसके लिए मामला पंजीकृत करने की बात की गई थी तो उसमें उस टाइम में पंजीकृत नहीं हुआ था, लेकिन इसके लिए SP को एक लेटर दे दिया गया है। तो अभी इसके अलावा किसी और के ऊपर भी कार्रवाई की बात चल रही है? इसमें जो मौलाना हैं उनके ऊपर इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। जो हमने बोला था थाने में कि निकाह की उम्र जब मालूम है तो वो निकाह ऐसा क्यों पढ़वा रहे हैं। दूसरा, इसमें एक वार्ड मेंबर थे जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी ली थी कि आप निकाह कराइए, बाकी सारी जिम्मेदारी मेरी है। तो इसमें माता पिता के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, दोनों माता मतलब लड़की और लड़के के, और बाकी मौलाना जी हैं और वार्ड मेंबर हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि सारा पता होने के बाद भी ये अपनी जिम्मेदारी लेकर और कार्य करा रहे थे। इस पूरे मामले में माता पिता की ओर से कोई प्रतिक्रिया आप लोगों के पास आई है? प्रतिक्रिया ये थी कि लड़की के माता पिता का कहना था कि लड़की लड़के के साथ मतलब प्रेम प्रसंग था उनका, इस वजह से हम लोगों ने सोचा कि हम लोग शादी कर देते हैं वरना तो हमें ये परेशान करती रहेगी, सिर्फ उनका ये रीज़न था। और लड़के की तरफ से ये था कि हमने लड़की को मना तो किया था कि अभी शादी मत करो, लेकिन वो मान ही नहीं रहे थे, इसीलिए दोनों ने मिलकर उनका निकाह कराने का ही सोचा और वो निकाह करा दिया।